वाहन चोरों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई कर 69 दो पहिया वाहनों को लिया गिरफ्त में। 26 वाहन चोर भी चढ़े पुलिस के हत्थे। वाहन चोरों के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई के गुड वर्क करने वाली पुलिस टीम को एसपी ने 10,000 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा। मैनपुरी से ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइमिटी न्यूज। भारी मात्रा में गाड़ी को भी बरामद किया, क्या पूरा मामला है? देखिए, कुछ ऐसी घटनाएं आसपास के जनपदों में और जनपद मैनपुरी में पिछले महीने का डेटा जब स्टडी किया गया तो देखा गया कि वाहन चोरी में जो है कुछ काम करने की आवश्यकता है। तो इसी क्रम में हमारे जितने भी राजपत्रित अधिकारी हैं उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक साहब के निर्देशन में और उनके लगातार नियंत्रण में इस टीम को लेकर काम किया। बहुत भारी इसमें काम हुआ है। जितने भी अभियुक्त जो रिहा हो गए थे कोरोना काल में किसी भी कारण से, या कुछ घटनाएं कारित कर रहे थे कुछ नए अभियुक्त, या कुछ ऐसी जो बाइक की बस्तियां हैं आपके वहाँ मैनपुरी में जहाँ पर कि ऐसी चीज़ें रहती हैं, लगभग एक एक वाहन को हमने वाहन ऐप पर डालकर चेक किया है। तो उसी क्रम में इन गिरोहों का अनावरण हुआ है। इसमें कुछ ऐसी भी बातें सामने आई हैं कि कुछ लोग बिना इंजन नंबर चेसिस नंबर की बाइक को बहुत सस्ते में, जैसे कि अगर अपाचे बाइक 1,00,000 रुपये की आ रही है वो 5,000 रुपये में खरीदी जा रही है, ऐसे भी कुछ घटनाएँ सामने आई हैं। इसमें हमने 69 दो पहिया वाहन जिसमें कि लगभग 30 के लगभग हाई स्पीड बाइक्स हैं जिनका कि अपाचे या पल्सर जिनका कि लगभग बाइकर्स गैंग में नाम आते रहता है, एक चार पहिया मारुति गाड़ी है और इसमें 26 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें इस बरामदगी से भी ज़्यादा एक बड़ी चीज़ जो हुई है वो जनपद के लगभग हर वाहन की चेकिंग इसमें की गई है वाहन ऐप पर डालकर, और ये बहुत अच्छा काम किया गया है। इसमें कोतवाली पुलिस और किशनी पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है, आउटस्टैंडिंगली गुड वर्क किया है। तो इन दोनों को 10,000 रुपये का इनाम पुलिस अधीक्षक कार्यालय की तरफ से दिया जाएगा। और मेरा आप लोगों के माध्यम से एक और संदेश ये भी रहेगा कि जो भी हमारी तरफ से लिस्ट प्रकाशित की जा रही है वो लिस्ट और उसके इंजन नंबर और चेसिस नंबर हमारे DCRB कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे। आसपास के जनपदों में या जिस भी नंबर की गाड़ी है, अगर उसको किसी को ऐसा पता लगता है कि उसकी ये गाड़ी है तो वो हमारे कार्यालय में आकर संपर्क कर लेंगे। तो हम जल्दी से जल्दी उस गाड़ी को छुड़ाने का प्रयास करेंगे जिससे कि वो थाने पर पड़ी ना रहे और जो उसके सही स्वामी हैं उस तक पहुंच जाए। और एक संदेश मैं और देना चाहूंगा कि सस्ती के चक्कर में फर्जी चीज़ ना खरीदें, अन्यथा विधिक प्रक्रिया का सामना आवश्यक रूप से करना पड़ेगा। यदि 1,00,000 रुपए की बाइक है आपको 3,000 रुपए की मिल रही है तो आपको सावधान होना चाहिए कि ये बाइक आप ना खरीदें। किसी भी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति से बाइक ना खरीदें जो कबाड़ी इत्यादि हैं जो इनका कि